पूर्णिया में सुबह सुबह इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की है। यह छापेमारी मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के 4 सदस्यों के घर में एक साथ पड़ी है। सूत्रों के अनुसार पटना, भागलपुर, पूर्णिया, रांची समेत कई जगहों से आई आयकर विभाग की टीम मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसमें मुख्य रूप से मिलिया शैक्षणिक ट्रस्ट के फाउंडर डॉक्टर असद इमाम के आवास, उनके कई परिजनों के अलावा मिलिया बीएड कॉलेज, एमआईटी, मिलिया कॉन्वेंट समेत कई शैक्षणिक स्थानों पर आयकर विभाग की टीम सुबह से ही पहुंची हुई है और जांच कर रही है। फिलहाल आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार रेड में इनकम टैक्स के कई बड़े अधिकारी और एसएसबी के जवान शामिल है। आज की सुबह करीब 7 बजे पटना नंबर की 2 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ पूर्णिया के लाइन बाजार शिव मंदिर के पास पहुंची। इससे पहले कुछ जानकारी मिलती आधा दर्जन भर अधिकारी और उसके साथ फोर्स एक साथ 4 अलग अलग घरों में छापेमारी के लिए घुस गए। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक असद इमाम के घर भी बड़ी संख्या में फोर्स के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी जांच के लिए घुसे हैं। हालांकि कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से फिलहाल कतराते नजर आ रहे हैं। यह छापेमारी कितनी लंबी चलेगी इसकी कुछ जानकारी भी सामने नहीं आई है। हालांकि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं और रेड कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।